हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ मैथ बच्चे, जैसे कि आपका मैथ चल रहा है एनसीईआरटी, जिसमें बेटा हम आज चैप्टर नंबर 7 आपका स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज बेटा मैं ओनली चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, आपको बस नॉर्मल सी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन उठा लेंगे। देखो बेटा, है क्या इसमें, आपने ये नॉर्मल वाला ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, है ना? आपने तो इसके रट्टे लगा रखे होंगे इस ग्राफ के, है ना? चलो फिर भी मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये आपका होता है y के पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि यहाँ पे y के पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजन। ओरिजन यानी कि x भी जीरो और y भी जीरो, इस पॉइंट के ऊपर x और y दोनों जीरो होते हैं। ये होता है y के नेगेटिव एक्सिस, यानी कि यहाँ पे y के नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, और यहाँ पे हो गए आपके x के पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि यहाँ पे x के पॉजिटिव पॉइंट्स आ गए, और यहाँ पे हो गया x नेगेटिव, यहाँ पे x के नेगेटिव पॉइंट्स आ गए। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये जो होता है y एक्सिस, ये y एक्सिस होता है ना, y एक्सिस, इस y एक्सिस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है आपको? y एक्सिस को हम बोलते हैं एप्सिसा। क्या बोलते हैं हम इसको? एप्सिसा। ठीक है, इसको हम एप्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एप्सिसा। और जो x एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट। ठीक है, एप्सिसा। जो एक्स के पॉइंट होते हैं उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, और जो वाई के पॉइंट होते हैं उसको बोला जाता है एप्सिसा। जब एक्स और वाई के पॉइंट्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि ऐसे करके लिख देते हैं एक्स कोमा वाई, यानी कि आगे एक्स का पॉइंट और पीछे वाई का पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको हम? कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर का नेम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कोऑर्डिनेट, यानी कि इस जैसे पॉइंट्स, हमने इस जैसे पॉइंट्स रीड करने हैं। ठीक है, हमने इस जैसे पॉइंट्स के ऊपर काम करना है इस चैप्टर में। ठीक है, और आपकी ना एक्सरसाइज 7.3 आपके सिलेबस में से कट कर दी गई है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाली। ओके, तो देखो बेटा, ये क्या है? एक्स कोमा वाई है, ये जो एक्स कोमा वाई है दिस इज कोऑर्डिनेट, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, ये जो x है, ध्यान रखना है आपने, x को बोला जाएगा ऑर्डिनेट। ठीक है, और जो आपका y है उसको बोला जाएगा एप्सिसा। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? एप्सिसा। जो इकट्ठे पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। समझ में आई बेटा बात आपको इतनी सी? ठीक है, तो हमने ना इस चैप्टर में इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है, कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बेसिक बात बता दूं। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं मैं उन सभी को आपको बताना चाहूंगी, ताकि आप जब हम वर्क करें तो उनको करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये रहा वाई नेगेटिव, ये रहा मैंने एक्स पॉजिटिव, ये आपके एक्स नेगेटिव, यहाँ पे ओरिजन होता है जिसको हम कैपिटल ओ बोलते हैं। ये जो लाइन है वाई एक्सिस वाली, ठीक है, ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, इसके ऊपर एक्स का कोई पॉइंट नहीं आता। देखो कहीं पे दिख रहा है आपको इस वाई लाइन के ऊपर एक्स का कोई पॉइंट आ सकता है? बताओ मुझे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस वाई एक्सिस के ऊपर एक्स का कोई पॉइंट नहीं आ सकता भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई? एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जो एक्स एक्सिस है, जो आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, जो आपका क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का कोई पॉइंट नहीं आता, इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू जीरो। इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू जीरो। और जो वाई एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जो एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई इज इक्वल टू जीरो। समझ में आई बेटा बात आपको इतनी सी? ठीक है, ये कुछ बड़ी बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो देखो बेटा, इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अब हमने पता क्या करना है? अब हमने पढ़ना है एक डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में रीड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? मान लो ना, ये मैंने एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, इस ग्राफ में मैंने आपको कोई दो पॉइंट दे दिए। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 1, 2, यानी कि x का पॉइंट 1 और 2 का पॉइंट 2। ये लो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया 1, 2। और ये रहा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देती हूँ 4, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देती हूँ 5। ठीक है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, ओके, आपने प्रॉपर नेमिंग करनी होती है। मैं आपको एक यहाँ पे पॉइंट दे देती हूँ, पॉइंट का नाम क्या है? 4, 4। अब मैं बोलूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के बताओ।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकाल के दिखाओ, डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। मान लो इस पॉइंट का नाम तो P है, इस पॉइंट का नाम मान लो Q है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है, P, इस पॉइंट का नाम मान लो क्या है, Q, ठीक है। तो P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस हमने निकालना है, ठीक है, किस फॉर्मूले के थ्रू, डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू। तो P, Q, ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन्स ये डिस्टेंस को शो करती हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, आपको मैं अब बता रही हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या है। मान लो मैं अब सॉरी इसको कट नहीं करूँगी, मतलब मैंने इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करना है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करना होता है। मैं इसकी जगह पर आपको जनरल पॉइंट लेके बता देती हूँ, आपको मैथमेटिकल पॉइंट से ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ले लिया एक्स वन और वाई वन, यहाँ पे पॉइंट मैंने ले लिया एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो पता है क्या करना है, आपने इस एक्स टू के पॉइंट में से क्या करना है, माइनस करना है एक्स वन को, किसको माइनस करना है, एक्स वन को, और इसका स्क्वेयर डाल देना है, फिर प्लस, फिर आपने y2 में से y1 को माइनस करना है, y2 में से क्या माइनस करना है, इस y1 को माइनस करना है और इसका स्क्वायर डाल देना है, समझ में आई बात। तो ये आपका लग गया डिस्टेंस फॉर्मूला, P से लेके Q तक का डिस्टेंस निकालना है, तो x2 में से x1 स्क्वायर प्लस y2 में से y1 स्क्वायर हो जाएगा, ऐड बीच में ऐड का साइन और इनके बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है और इसके ऊपर वर्क बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके देन, थैंक यू, इस वीडियो में आपके लिए इतना। ओके बच्चे।